यार आई होप वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, वॉइस क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, सब कुछ क्लियर है ना। तो आज की वीडियो में बात करने वाला सीगेट की हार्ड ड्राइव के बारे में। मेरे पास 2 TB की हार्ड डिस्क है जो कि मैंने ऑर्डर कर रखा था बिग बिलियन डे के सेल में, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलकर ये मैंने बाय कर लिया। ये फिलहाल बॉक्स है, इसके अंदर ड्राइव है। वेल, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ इस वीडियो में, मतलब बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ और रेकमेंड करने वाला हूँ कि आपको कौन सी SSD के साथ जाना चाहिए, SSD के साथ जाना चाहिए या फिर पेन ड्राइव ले लेना चाहिए या किस टाइप की डिस्क के साथ जाना चाहिए, स्पेस, अगर आपको स्पेस चाहिए तो क्या लेना चाहिए। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे यार। फिलहाल अगर आप जस्ट सर्च करोगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर तो आपको ढेर सारी डिस्क मिल जाएंगी। फिलहाल जैसे मैंने सर्च कर रखा है तो मेनली 2 कंपनी खेलती हैं बजट में, एक है WD और है Seagate। WD Seagate में मैं Seagate को प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ और क्यों देता हूँ वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। पहली बात तो यार जो मेरे पास है उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और अब देख लेते हैं यार इसका डिज़ाइन और जो भी चीज़ें हैं वो तो देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग में आपको एक स्लाइटली आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअल में ये कैसा है। तो जस्ट मैं इसको निकालता हूँ, अब इसके साथ ये नहीं मिला था। मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा बारी बारी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। वेल, इसके बारे में बात करते हैं तो देख सकते हो कितना छोटा है ये, हाथ में आ जा रहा है, इजी कॉम्पैक्ट है, कम्फर्टेबल है, ऑफकोर्स आप इजिली कैरी कर सकते हो कहीं पर भी, फ़ोन से तो काफ़ी छोटा है। मैं देख सकते हो इसकी साइज और ये जो कलर है ये सिल्वर कलर है क्योंकि यार लैपटॉप से मैच करता है, मैंने देखा तो मैंने ले लिया इसको। अदरवाइज आपके अकॉर्डिंग जो मैच करता है आप ले सकते हो, कई कलर में अवेलेबल है, मतलब आपको ग्रे मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, आईफोन बना रखा है। अच्छा, इसके बारे में बता दूं तो ये हार्ड ड्राइव सभी लोग जानते हैं, USB केबल मिलता है इसके साथ फ्री, ये है USB केबल मिलेगा, एक डब्बे में रहेगा और ये 3.0 है तो डेफिनेटली थोड़ा फास्ट है। 2 TB की हार्ड ड्राइव है जिसमें से 1.8 TB आपको स्पेस मिलता है, बाकी का खा गए हैं लोग। और हाँ, सवाल ये भी होगा कि किसके किसके साथ सपोर्ट करेगा, तो विंडोज़ के साथ सपोर्ट करता है, मैक के साथ सपोर्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा ऑन पेपर और रियलिटी की बात करते हैं। डेटा ट्रांसफर यार मेंशन किया गया है 120 MBPS, बट नहीं, इतना आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ थियेटिकल लाइफ से बहुत डिफरेंस होती है। और मैंने चेक किया 2 या 3 बार 4 बार चेक किया, 80 to 85 MBPS जाता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, ठीक है, मतलब 85 तक मेंटेन कर रखता है और 78 के नीचे नहीं आता। ये तो मैं बात कर रहा हूँ यार सिंगल डिवाइस, मतलब कि डायरेक्ट इसमें से इसमें अगर शेयर करते हो तब आपको ये स्पीड मिलेगी। अदरवाइज आप डुअल मल्टी कोर यूज़ करते हो, लाइक इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करना है यूजिंग लैपटॉप, लाइक इस साइड इसको कनेक्ट कर दिया, इस साइड इसको कनेक्ट कर दिया, अब डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तब आपको 40 MBPS स्पीड मिलना भी मुश्किल है। 35 MBPS मान लो उतनी स्पीड आपको देगा। अभी स्पेस बिल्कुल खाली है इसलिए ऐसी स्पीड मिल रही है। इन फ्यूचर क्या होता है कोई नहीं जानता, अभी मैंने नया नया लिया है तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, इन फ्यूचर जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जस्ट 5099 में आपको ये ड्राइव नहीं मिलता, इसके साथ और भी चीज़ें मिलती हैं, लाइक Seagate का एक एप्लीकेशन है माई लियो, उसके कुछ सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। हाँ, प्रीमियम वाला नहीं मिलेगा बट सब्सक्रिप्शन मिलता है जिससे आप अपने चीज़ों को बैकअप कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट, अपनी फोटोज, अपनी वीडियोज़ को बैकअप कर सकते हो। और हाँ, अगर ये लॉस्ट हो जाता है या फिर गुम जाता, गिर जाता है, मतलब किसी भी तरह से ये आपके पास नहीं रहता, तो जब इसको बाई करोगे तो इसके साथ एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, उसको ओपन करके वहाँ पर साइन इन होना पड़ता है, आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, तो उस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आप बैकअप कर सकते हो। क्वालिटी की बात करना मैं शायद भूल गया, तो मैं अभी बता दूं यार क्वालिटी ऐसा मैं नहीं कहूँगी बहुत ही बुरी है और ये भी नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी है, इन तो को इम्प्रूव करना चाहिए। 5000 रुपी में भी एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, देखने में आपको लग सकता है कि ये मेटल है बट नहीं यार, मेटल नहीं है, कम्प्लीटली प्लास्टिक है। आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जरूर बाय कर लें, इसका कवर 189 रुपीज़ का ये है, इसको आपको सजेस्ट करता है फ्लिपकार्ट, आप अमेजोन से बाय करोगे वहाँ पर भी सजेशन आएगा। आप सेपरेटली इसे जाकर किसी स्टोर से बाय कर सकते हो, अगर आपको ऑफलाइन में ये इजीली 100 रुपीज़ to 120 मिल जाएगा, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, वहाँ से बाय कर लो। अगर नहीं बाय करते हो तो जब भी इसे रखना हो तो सेफली जिस बॉक्स में ये आया था उसी बॉक्स में रखो, क्योंकि अगर ये गिर गया ना तो डेटा सारा चला जाएगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है, प्रतीक क्या तुम इसे रिकमेंड कर रहे हो, ये वर्थ है, इसको लेना चाहिए नहीं, या फिर मैं किसी और साथ जाना चाहिए, पैसा कितना है तुम्हारे पास, गजब बेइज्जती है। अगर तुम्हारा बजट 5000 है, कॉम्पैक्ट की तरह में SSD ही चाहिए, ठीक है, बड़ी स्टोरेज चाहिए, 512/256 में काम नहीं चल रहा तुम्हारा, देन तुम इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर बजट तुम्हारा बढ़ा सकते हो
10,000 तक जा सकते हो तो डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड करूँगा एस एस डी के साथ जाओ। 512 एस एस डी ले लो, ठीक है, 1 TB एस एस डी मिलती है तो और अच्छी बात है, बट 512 मिलती है एस एस डी तो उसके साथ चले जाओ। पेन ड्राइव ले सकते हो तो पेन ड्राइव ले लो, अगर है बजट तो सैनडिस्क है, सैमसंग है, HP है, कुछ अच्छे खासे ब्रांड हैं। और हाँ, टाइप सी वाली पेन ड्राइव लेना, उनकी स्पीड ज़्यादा बेटर हो रही है एज़ कम्पेयर टू USB पेन ड्राइव। स्टोरेज कर रहे हो, स्पीड पर उतना नहीं फोकस कर रहे हो, स्टोरेज चाहिए, 80 MBPS रहेगा चलेगा, 50 MBPS रहेगा तब भी चलेगा, तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। ये वर्थ है, वर्थ क्यों यार, क्योंकि 2 TB का इन्होंने स्पेस दे रखा है, कुछ सिक्योरिटी दे रखी है, वारंटी दे रखी है, बिल्ड क्वालिटी भी उतनी नहीं है, मतलब हाँ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जज किया तो हाँ डेफिनेटली एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है, तो ये रिकमेंडेड है। जो लोग हार्ड ड्राइव ढूंढ रहे हैं तो वो ले सकते हैं। WD के साथ मत जाना यार, थोड़ा स्लिम नहीं है वो, थोड़ा सा बल्की डिजाइन है उसका और मुझे उतना पसंद नहीं आया, बाकी आप चेक कर सकते हो, मैंने क्योंकि फ्लिपकार्ट पर देखा तो उतना वर्थ नहीं लग रहा था मुझको उसके, एज कम्पेयर टू दिस Seagate मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो Seagate के साथ जा सकते हो, WD के साथ मत जाना, ठीक है, ये ले लेना, कम्पैक्ट है, स्मॉल है, इजिली यूज़ करवाओगे। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और यार इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आएगी, बहुत जल्दी आएगी, एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी दे पाऊँ, बट प्रॉब्लम है यार यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अगर शूट करूँगा तो देख सकते हो इसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगा और तरह तरह की चीज़ आएगी। मैं सोच रहा हूँ मैं पार्क में जाऊँ फिर शूट करूँ, काफ़ी एक अच्छा प्रोफेशनल लुक देख पाऊँ, क्योंकि कैमरा जो है ना वो MI का, और MI का जो कैमरा है वो डे लाइट में तो अच्छा परफॉर्म करता है, नो डाउट, बट यार जैसे जैसे रात होती है ना उसकी हालत पतली होती चली जाती है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू शूट माय वीडियो इन डे टाइम। ओके, आएगी वीडियो, जल्दी ही आएगी, तब तक कीप सपोर्टिंग यार, थैंक यू, और वीडियो को थोड़ा शेयर करो, बहुत बेइज्जती हो जाती है जब भी कोई, कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं कहते हैं सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे हैं, व्यूज तो आ ही नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, थैंक यू, मे भी हो सकता है लास्ट में कुछ ज़्यादा बोल गया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग, व्हाटएवर, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।